हम एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में बिना किरचॉफ लॉ अप्लाई किए हर एक ब्रांच में करंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं या कॉमन पोटेंशियल कैसे ढूंढ सकते हैं। ब्रिलियंट, अच्छा क्वेश्चन है। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो किस टाइप का क्वेश्चन, मुझे यहां पोटेंशियल द जंक्शन निकालना है। मान लो जंक्शन का पोटेंशियल एक्स है, अगर आप बुक के मेथड से सॉल्व करेंगे तो यू हैव टू फाइंड आउट आई, देन यू हैव टू फाइंड आउट आई वन, देन यू हैव टू फाइंड आउट आई टू, देन यू हैव टू अप्लाई किरचॉफ लॉ एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट and then you'll get the value of x. I'll give you a solution in one line. Just apply the formula. Potential of the junction x is equal to sigma e upon r divided by sigma 1 upon r. What are the values? In this case, e upon r will be 70 upon 10, that is 7. Here e upon r will be 0 upon 20, that is 0. Here e upon r will be 10 upon 30, that is 1 upon 3. And 1 upon r1 plus 1 upon r2 plus 1 upon r3 will be 1 upon 10 plus 1 upon 20 plus 1 upon 30. That will be 11 upon 60. You'll solve it. 22 by 3 divided by 11 by 60. That you'll get. The potential of the junction will be 40 volts. Just keep the values of E and R and you'll get the formula. You'll get the answer. Same type of question can be asked here also. It is a very, very common question, is particularly in JE. यहाँ पर मेरे पास तीन बैटरी है. Look at the polarization of the battery, right? मान लो total current यहाँ से गया I1, यहाँ से गया I2, यहाँ से गया I3. I have taken any direction of the current, right? I have taken all the currents in the same direction. Apply the same formula, right? Common potential V common is equal to again sigma E upon R upon 1 upon R. E upon R will be here. My current is going in this direction and बैटरी का करंट भी सेम डायरेक्शन में है, तो हम E1 को पॉजिटिव लेंगे, सो इट विल बी E1 अपॉन R1. सेकंड केस में मेरा करंट इस डायरेक्शन में है लेकिन बैटरी का करंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो E2 की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, माना C2 अपॉन R2 प्लस E3 इज अगेन पॉजिटिव, E3 अपॉन R3 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. यू गेट द वैल्यू ऑफ कॉमन पोटेंशियल, दैट इज V. सपोज यू वांट टू कैलकुलेट I1, I2 एंड I3, देन I विल बी इक्वल टू E माइनस V अपॉन R. That is, I1 will be equal to E1 minus V upon R1. Similarly, I2 will be equal to E2 minus V upon R2 and in the same way, R3. अगर आपको इस टाइप के और बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट. और अगर आपको और कहीं डिफिकल्टी है तो प्लीज राइट टू अस, वी आर वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. थैंक यू.